नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अर्जुन कपूर के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से ट्रोल्स हो रहे हैं। और उनके ट्रोल्स होने की बड़ी वजह है उनके द्वारा बॉलीवुड बायकॉट पे भयंकर रूप से नाराजगी व्यक्त करना। और इसका सबसे बड़ा कारण है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट होने और फ्लॉप होने पर अर्जुन कपूर ने बेहद नाराजगी जताई है और बॉलीवुड के फैंस और ऑडियंस के ऊपर भयंकर रूप से भड़के हुए हैं। लेकिन वह यह भूल गए कि आप ऑडियंस और फैंस पे भड़क के सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, यह बॉलीवुड फिल्मों को चलाने का कोई नुस्खा नहीं है। अर्जुन कपूर ने साथ ही खुद को एक अंडररेटेड एक्टर बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके काम को क्रेडिट नहीं मिला। अब कोई उन्हें समझाए कि काम को क्रेडिट मिलना या ना मिलना किसी एक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यह सब कुछ उनके चाहने वाले जनता और फैंस पे डिपेंड करता है कि वह आपके काम को कितना पसंद करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को कितना पसंद करते हैं या आपकी फिल्म को किस हद तक पसंद करते हैं। अब आज के समय में जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है तो बॉलीवुड की ऑडियंस और फैंस हर किसी का टेस्ट बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले सिर्फ आज से 10-15 सालों पहले सिर्फ एक बॉलीवुड हुआ करता था। ना बॉलीवुड के अंदर साउथ की इतनी ज़्यादा फिल्में बनती थी, ना कोई OTT प्लेटफॉर्म था, इसलिए लोगों के पास मनोरंजन के लिए बॉलीवुड के अलावा कोई दूसरा स्कोप नहीं था। लेकिन अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है। अब ऑडियंस के पास एक तरफ है साउथ इंडस्ट्री की मूवीज और दूसरी तरफ है OTT। जी हाँ दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में अगर बॉलीवुड को सर्वाइव करना है तो सबसे पहले उन्हें अपने कंटेंट पे ध्यान देना होगा। अब फैंस और ऑडियंस ऐसे नहीं रह गए कि सिर्फ बड़े स्टार का पोस्टर देख के या बड़े स्टार का नाम देखकर सिनेमा हॉल तक चले जाए। आज ऐसा टाइम आ गया है कि बड़े से बड़े हीरो की फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है और छोटे न्यू कमर की फिल्म भी सुपरहिट साबित हो सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छा कंटेंट हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब बॉलीवुड की ऑडियंस और फैंस को सिर्फ अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। और रही बात अंडररेटेड एक्टर की, तो यह सिर्फ फैंस डिसाइड करेंगे। आप खुद अपने मुंह मियां मिठू बनने से कुछ नहीं होगा। अगर अच्छी कंटेंट वाली फिल्में बनेगी तो ऑडियंस सिनेमा हॉल तक जरूर जाएगी और उनकी तारीफ भी करेगी। अभी पिछले कुछ टाइम पहले कार्तिक आर्यन की एक फिल्म आई थी भूल भुलैया 2, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ का बिजनेस किया था। यही वह बॉक्स ऑफिस था और यही सब ऑडियंस थी जिन्होंने कार्तिक आर्यन की फिल्म को इतना पसंद किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंटेंट था और लोगों को वह फिल्म पसंद आई। वरना बॉलीवुड की ऑडियंस और फैंस सलमान खान की बजरंगी भाईजान को अगर ब्लॉकबास्टर बना सकती है तो उनकी फिल्म ट्यूबलाइट को सुपर फ्लॉप भी कर सकती है। कारण है सिर्फ अच्छा कंटेंट। अब सिर्फ अच्छा कंटेंट चलता है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट और कहानी के अंदर ओरिजिनलिटी नयापन नहीं है तो आप बॉक्स ऑफिस पर टिके हुए नहीं रह सकते। फिर चाहे आपका कितना ही बड़ा नाम हो या आपके पास कितनी ही बड़ी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट हो, बॉलीवुड पिछले कुछ समय से लगातार या तो साउथ फिल्मों की कॉपी कर रहा है या हॉलीवुड की हिट फिल्मों की कॉपी, जबकि यह सब फिल्में ऑडियंस और फैंस ऑलरेडी 80% लोग देख चुके हैं। अब उन्हीं फिल्मों की कॉपी कर वह चाहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर सुपरहिट फिल्में दें, तो ऐसा होना लगभग असंभव है। इसलिए आप अपनी कमी को दूर करें और कोशिश करें कि अच्छा कंटेंट बनाएं। तो यह थी बात अर्जुन कपूर के बारे में, जो पिछले बहुत लंबे समय से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। जल्दी मुलाकात होगी नए बॉलीवुड गॉसिप के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा। जय।